नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ऊटनी पर बैठकर ढोल तो कोई भी बजा सकता है, पर सभी के लिए ऊटनी को काबू करना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान का पीएम अगर खुद अपने मुंह से अपने ही भिखारीपन का गुणगान करे तो भले इससे स्पष्टवादी कौन होगा। यह अलग बात है कि जिस पाकिस्तान के लिए इस जनाब ने 30 साल से भीख मांगी, उससे या तो इस देश को कंगाली मिली या फिर घबराना नहीं बोलकर कैक्टस वाले तकिए पर बिठा दिया गया। इससे पहले की बात आगे बढ़े, जरा इन पाकिस्तानी टोपीबाजों की भिखारीपन की गाथा और असफलता इन्हीं के मुखमंडल से सुन लेते हैं। तो आपके पास पैनल भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनको समझ है इन चीज की, क्योंकि मैं बड़ी देर से पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करता रहा हूँ, 30 साल से। सबसे ज्यादा मेरा तजर्बा है पैसे इकट्ठे करने में। यार, जो बंदा हर बात में भीख मांगता है, भाई से कर्जे ले लो, कर्जे ले लो, कर्जे ले लो। देखिए, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तानी पीएम कितने साल से भीख मांग रहा है, सवाल ये भी नहीं है उसकी भीख ने पाकिस्तान को कितना समर्थ बनाया। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान में इमरान खान अकेला भिखारी नहीं है। जिसने पाकिस्तान की नींव रखी वह मोहम्मद अली जिन्ना इमरान से कम बड़ा भिखारी नहीं था। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर और जिन्ना के पिता पूंजालाल ठक्कर जब तक हिंदू धर्म में रहे, गुजरात के कठियावाड़ में उनकी तूती बोलती रही। मगर पूंजालाल ठक्कर ने इस्लाम अपनाया तो इन पर भी भिखारियों की छत्रछाया पड़ गई। जनवरी 1948 के पहले हफ्ते में 55 करोड़ रुपए की पहली भीख महात्मा गांधी से जिन्ना को मिली थी। तब जाकर दो वक्त की रोटी इस मदरसा पैदाइश को मिल पाई थी। यह बात चौंकाने वाली हो सकती है कि इन भिखारियों का फादर ऑफ नेशन एक पुराना हिंदू है। अगर पाकिस्तानियों को संदेह हो तो अकबर एस अहमद की किताब जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ेंगे तो तब जब इन टोपीबाजों को गर्दन पटकने से ही फुर्सत मिलती हो। अब जरा किसी को इनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी संशय हो, वे इस पाकिस्तानी पत्रकार के ज्ञानवर्धन से इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो यानी कि 5 लाख अभी पॉजिटिव केसेस हैं, और अगर आप देखें टोटल 60,000 लोगों का टेस्ट हुआ, 60,000 से ज्यादा, 61,000 तकरीबन, उसमें से 5 लाख पॉजिटिव आए हैं। तो पॉजिटिव का रेशो क्या है? पॉजिटिव का रेशियो है जनाब तकरीबन आप कह लें 5%। जी हाँ, 5% है जो पॉजिटिव केसेस निकले हैं तकरीबन इस, यस 5%। देखिए, ये खोपड़ी धरती पर उतरी जरूर, मगर इसके ऊपर छाते के रूप में जो टोपी चढ़ाई गई उसने इनकी सारी बुद्धि पिछवाड़े पर जमा कर दी, जो ऊपर नीचे होने के चक्कर में खुद ही चक्कर घिन्नी हो गई। संक्रमित लोगों के आंकड़े आने पर लोग अफसोस जाहिर करते हैं, मगर यह लोग गधैया नृत्य करके दिखाते हैं। पीएम इमरान खान भीख मांगने की कला का बखान करता है, जबकि जनमानस बकरी कुदान करता है। आज स्थिति यह है कि जब पाकिस्तान में 2 दिन में 300 व्यक्ति संक्रमण से मदरसे के ऊपर से छलांग लगा गए, तब इनका आंकड़ा 110 पर ही अटका है। इन लोगों का यह फेफड़ों में निमोनिया की वजह से मरना बता रहे हैं। यानी यह टोपीबाज आज तक समझ नहीं पाए कोरोना बीमारी है या कुरान का सूरा है। अगर इनकी खोपड़ियों पर टोपी नहीं होती तो इन्होंने कोरोना का सूरा भी पूरा समझ लिया होता। 60,000 में से 5,000 से ऊपर पॉजिटिव केस आने का मतलब है कि पाकिस्तान 12% संक्रमण की चपेट में है। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान कैसे चालबाजी से संक्रमित लोगों की संख्या छिपा रहा है। पाकिस्तानी मुल्ला मस्जिदों के बाहर जंग के अलगोजे को फूंक रहे हैं। हूरों के दरवाजे पर कुंडी खटखटाने वालों की लाइन बढ़ती जा रही है। यह स्थिति केवल पाकिस्तान की ही नहीं है, इधर भी हालात तू डाल डाल हम पात पात जैसी हो चुकी है। जाहिल जमात ने यहां भी हजारों टोपीबाजों को प्रसाद बांटकर इनाम का काम कर दिया है। भारत के लिए तो बड़ा फायदा यह होगा कि अमित शाह को जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाना पड़ेगा। यानी हिंदू जिन्ना के पाकिस्तान और शुद्ध हिंदुस्तान के शैतान के बीच एक प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है, जिसे हूर मिलन प्रतियोगिता का नाम दिया जाए तो कुछ गलत भी नहीं होगा, क्योंकि यहां भी 414 लोगों में 358 लोग हूरों की खोज में भागे हैं। 12,380 लोगों में 10,230 यही जनाबे आली हैं। मजे की बात यह है कि ठीक होकर वापस लौटे 1,489 लोगों में इनकी गिनती 150 भी नहीं है। अब जो लोग इन आंकड़ों में मजहब देखते हैं, भला उनसे बड़ा दूसरा मूर्ख कौन होगा? इसमें मजहब है ही कहां, या तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
जो एक ही खेल खेल रहे हैं कि तू मेरी पीठ पर खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजाता हूं। यह अलग बात है कि यह खुजलाने की प्रवृत्ति इनको हूरों का मिलन करा रही है और पुलिस डॉक्टर है कि इन्हें बचाने के चक्कर में पत्थर खाती फिर रही है। इस मामले में पाकिस्तान कहीं बेहतर कर रहा है। जो मरता है उसे दमे का मरीज बताकर कब्र में धक्का दे दिया जाता है, जो बीच में रह जाता है उसे इमरान खान घबराना नहीं कहकर हूरों वाला टीका लगा देता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।